अर्बन ब्रिज आपके बीच में आएंगे तो मोदी मोदी 400 बार आपकी बार 400 बार भारत का बच्चा बच्चा हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई मोदी जी के रोड शो में हम निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, भगवा वाला भैया कुर्ता डाल लिया है मैंने आज, क्योंकि भैया ने कल मैसेज डाला था कि भाई भगवा पहन के आइए, और सबके लिए बोला था। मैंने कहा ठीक है भाई, जिस भगवा पहन के चलेगा। तो भाई बस आ गई है हमारी मंगल बाजार चौक पर। 12:30 बजे का हमें टाइम दिया गया था, निकलना थोड़ा लेट ही है, 1:30 बजे तक निकलेंगे यहाँ से, लेकिन वहाँ भी पहुँचना है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेटअप करनी है, तो फिलहाल मैं पहुँच रहा हूँ बस पर, वहाँ जाके लेता हूँ अपडेट। और धीरज भैया जी को, हमारे पार्षद जी को फ़ोन करता हूँ, और जो जो आएगा भाई उनको कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। और बाकी जो भी अपडेट होगी छोटी मोटी, वो मैं अपने ब्लॉग के थ्रू देने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर। दोस्तों फाइनली मैं बस पर पहुँच गया हूँ, ये रही बस। और धीरे धीरे लोग भाई आना अपना चालू कर रहे हैं। एक दो अंकल जी आ चुके हैं, वो बैठ चुके हैं गाड़ी में। बाकी देखो धीरे धीरे सब आएंगे। बाकी भैया जी, धीरे भैया जी को भी फ़ोन कर दिया है, और दो तीन जनों का खुद फ़ोन आ गया था कि भैया हम निकल चुके हैं, आ रहे हैं। सब धीरे धीरे आ ही रहे होंगे भाई सब, ठीक है। तो वेट करेंगे, और जब हो जाएगी अपनी गाड़ी रेडी तो निकल के सीधा अपनी हम अपने मोदी जी की रैली की अपडेट देंगे आपको अपने ब्लॉग में, ठीक है दोस्तों। आज का ब्लॉग सिर्फ ये रहने वाला, ये मैं आपको कल ही बता चुका था, ठीक है। ये देख सकते हो भाई, और मस्त लग रहा है कुर्ता। मैंने एक फ़ोटो भी खींची थी यार दोस्तों, मैं फ्रंट पर वही लगाऊंगा इस बार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाई बहुत मज़ा आ गया भाई, बैंड बाजों के साथ ये लेके जा रहे हैं साथ में, वहाँ पे बजाएंगे भाई फुल ड्रेसअप के साथ। चलते हैं भाई, बस में आ गए हैं। बाकी सब आ रहे हैं, जितने भी लोग थे यहाँ पे सबको भाई पटके दे ही दिए। आते हैं गाड़ियाँ, बैठते हैं भाई, इतने अपनी तैयारी रखते हैं रेडी। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बस चल चुकी है, सारे बैठ चुके हैं, और भाई बस को लेके भाई लोकेशन लगा के मैं भी आगे बैठ के चल दिया हूँ। तो बस मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट के अंदर हम वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ की जाके व्यवस्था देखेंगे क्या है भाई। आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी क्योंकि बस में बैठे हैं, बस का साउंड बहुत तेज है, ठीक है। फाइनली बस से उतर गए, थोड़ा सा दूर का रास्ता है, 1 घंटे का करीब का। सारे के सारे चलने भाई, देख सकते हो। तो भाई को क्योंकि आगे पार्किंग की दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, इस वजह से पीछे ही गाड़ियाँ खड़ी करवा दी। 1 किलोमीटर का रास्ता चलने चलने का, ठीक है। तो चलते हैं भाई, और देंगे वहाँ के जाने के बाद वहाँ की अपडेट। तो और एक ही नारा, अब की बार 400 बार, सबका सिर्फ एक ही नारा है भाई, अब की बार 400 बार। मातरम मातरम जय हर हर मोदी। सिक्योरिटी लेके दोस्तों बहुत टाइट है मामला, और अच्छी बात भी है, सिक्योरिटी होनी भी चाहिए। बाकी ये भाई पूरा इंदिरापुरम देख ही सकते हो, इंदिरापुरम का अपना आ रहा है। वार्ड नंबर 100 है, 99 है, वार्ड नंबर 81 है, जो
जोश और उत्साह दिख रहा है भाई सबका मोदी जी से मिलने का। मातरम मातरम। सुनील कुमार शर्मा जी हमारे मंत्री जी वो बैठे हैं अंदर, जितने भी मंत्री आएंगे वगैरह उनके बैठने की यहाँ पे जगह बना रखी है। और ये स्थान हमारा बस पास में आ गया, देख सकते हो आप ऊपर का वर्ड पढ़ो ये दोस्तों क्या लिखा है, जो है परम राम के भक्त उनका स्वागत है। ये देखो हमारे मोदी जी। कमल का बटन दबाएं भाजपा को जिताएं। फाइनली थोड़ा सा म्यूजिक जरूर आएगा क्योंकि हर जगह साउंड बज रहा है। मैं अपने आईटी वाले से उसमें आ गया हूँ ब्लॉक में 18 नंबर में। ये भाई अपने वार्ड नंबर 81 इंद्रपुरम के लोग हैं सारे। मोदी जी भी मिल गए हैं फोटो खिंचवाने के लिए, देख सकते हो। और ये अपना भाई मंदिर। आपके बीच में आएंगे तो मोदी मोदी के नारों से एक बार गुंजायमान होना चाहिए। कैसे नारे लगाएंगे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है भैया? एक बार कैसे नारे लगाना पता है? बोले मोदी 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 मोदी। एक बार सब लोग बोले मोदी 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 के नारा होना चाहिए। मोदी 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 मोदी। जब मोदी जी आपको क्रॉस करेंगे तो मोदी जी के मोदी मोदी का आवाज होनी चाहिए भैया। यहाँ मत तो यहाँ कोई अपने 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 मोबाइल खोल लीजिए। हमारे बीच में मोदी जी पहुंचने वाले हैं, नारे लगाते रहेंगे। मोदी जी हमारे बीच में आ चुके हैं जिनका लगातार लंबे समय से हमें इंतजार था।
आज का जो सफ़र रहा थोड़ा भीड़ वाला था, क्योंकि ये तो पता है दोस्तों आपको होना ही था, क्योंकि मोदी जी जो आए थे तो भाई मोदी जी योगी जी दोनों भाई जीप पे जो उन्होंने हाथ हिला के जैसे ये करा भाई लोगों का उत्साह देखा जाएगा, मतलब हमारे फोन तक हिला देते, वीडियो नहीं बन पा रही भाई सही से। एक तो दिक्कत ये हो गई दोस्तों, एक रेलिंग फिर उसका एक रेलिंग, और इसमें ये फ़र्क था कि कोई वो नहीं था पास वास कि वी आई पी एंट्री कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो रोड से होता, रोड से निकलना था उनको, तो भाई नॉर्मली सब ग्रिल के पास खड़े हुए थे और भाई अपना बस लेके गया ही था मैं, जैसे कि आपको बताया था, तो मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा था, लेकिन अंदर तो हमें तो मालूम है क्या है, उधर सेक्शन बनाए हुए थे दोस्तों 1 2 3 4 5 करके, जैसे इंदापुरम का जो सेक्शन है उसमें इंदापुरम वाले रहेंगे, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सारे लोग थे अपने भाई, मैंने वीडियो भी डाली हुई है, जो मैंने वीडियो ऐड करी है, जो ढोल वोल बज रहा है डांस कर रहे हैं, और अजय जी जो हमारे भाजपा के वो अपना स्पीच दे रहे हैं, लोगों को उत्साह जगा रहे हैं कि भाई बीजेपी के नारे लगवा रहे हैं, वो भी मैंने डाली है वीडियो। लेकिन रियली में बहुत भीड़ थी, बहुत मज़ा आया दोस्तों, मेरा पहला रोड शो था ये जिसमें मैं गया हूँ। चलो ये एक्सपीरियंस भी ज़रूरी था भाई, इससे ये पता चलता है कि भाई एक तो देखो टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, क्योंकि टाइम इसलिए क्योंकि वहाँ जाके खड़ा होना और वेट करना किसका, मोदी जी का, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने करा
भाई वो फ्रंट पे बहुत ज़्यादा आ गए थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि वीडियो वैसे ही बननी थी हिल डुल के हिल डुल के। ठीक है दोस्तों, तो घर आ गया और आते समय दोस्तों जिस फार्म हाउस में हमने अतुल जी का स्वागत किया था उसी में साई संध्या भी थी। तो आते समय हम एकदम से देखा, हमने कहा यार घर जाएंगे फिर नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होएंगे आएंगे, मतलब जैसे भी सोचा, हमने कहा अभी दर्शन करके निकलते हैं। तो हम वहीं रुक गए थे, हमने दर्शन करे, एक घंटे बैठे और फिर वहाँ से अब सीधा घर आ गए। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सिर्फ एक ही बात मैं बोलूँगा हर बार, ओनली सपोर्ट बीजेपी, अब की बार 400 पार। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, जय श्री राम।